और आज मैं हूँ आगरा में, यह मेरा दूसरा दिन और इस वक्त मैं हूँ एतमादउद्दौला के पास में। मौसम थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है, मेरे चश्मे भी बूंदें दिख रही होंगी आपको। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बाबर का मकबरा। गाइज़ ये है बाबर का मकबरा, हिंदुस्तान के पहले मुग़ल बादशाह जो हिंदुस्तान आए थे, और यही है उनका टेम्प्ररी मकबरा। यहीं पे उनकी डेड बॉडी को 6-7 महीने के लिए रखा गया था और यहाँ से ले जाने के बाद उनको कंधार में दफनाया गया था। पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहे और उसमें आपको दिखाता हूँ इसको अंदर से ये कैसा है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये भी लॉक है, यहाँ ताला लगा हुआ है, अभी खुला नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पास से दिखा देता हूँ ये कैसा दिख रहा है। चारों तरफ इसके हौज बना हुआ है जिससे यहाँ पर नमी बनी रहे और ये ठंडक रहे इसको, इसलिए चारों तरफ इन्होंने यहाँ पर हौज बनाया है और चारों तरफ से यहाँ पर ठंडक रहे, ये जगह ठंडी रहे। देख सकते हैं आप यहाँ इसकी जो मीनारें हैं वो भी यहाँ पे टूट गई हैं। एक्चुअली जो बाबर थे उनको आराम बाग में आराम कर रहे थे और उनकी जब डेथ हो गई, जब इंतकाल कर गए, उनकी जो आखिरी वसीयत थी वो ये थी कि मुझे कंधार में ही दफनाया जाए, लेकिन उनकी जो डेथ है वो यहीं हो गई और गर्मियों का सीज़न था और जिस जगह पर बाबर की डेथ हुई थी उस जगह को आज आराम बाग कहते हैं। उस ज़माने में आराम बाग नाम था बट आज उसे राम बाग कहते हैं। राम बाग में उनकी डेथ हुई थी और गर्मियों का मौसम था, लेकिन उनकी जो आखिरी इच्छा थी वो यही थी कि उनको कंधार में ले जाके दफनाया जाए, जिस वजह से वहाँ उस वक्त के लोगों ने सोचा कि अगर गर्मियों के सीज़न में वहाँ लेके जाएंगे तो ले जाना काफ़ी मुश्किल है और डेड बॉडी ख़राब हो जाएगी, जिस वजह से उनको 6-7 महीने के लिए यहीं दफनाया दिया गया था और सुपुर्द खाक किया गया था। और यहाँ पर इस तरह से इंतजाम किया गया था कि जो कब्र है वो ठंडी रहे, उनकी डेड बॉडी ज़्यादा ख़राब ना हो। और जब सर्दियों का मौसम आ गया था 6-7 महीने बाद, तब ले जाके उनको सर्दियों के मौसम में फिर ले जाके कंधार में जाके दफनाया गया। उनकी आज जो असली कब्र है वो कंधार में है। तो ये था उनका मकबरा जो मैंने आपको दिखाया, इसे टेम्प्ररी मकबरा आप कह सकते हैं। और ये अभी गेट बंद है, इस वरना मैं आपको अंदर से दिखाता, और बारिश भी बहुत तेज़ होती जा रही है। और अब यहाँ से जाने के बाद मैं आपको रामबाग दिखाऊंगा जहाँ पर उनकी डेथ हुई थी। टिल देन टेक केयर।